चलिए आ जाइए। हेलो स्टूडेंट, मैं मनोरंजन सर एडवांस एडुकेयर से बात कर रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए आज बीओ का बैच से लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। और बिहार के स्टूडेंट के लिए और बाहर के लिए भी काफ़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्दी बीपीएससी द्वारा एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आपको बीओ का एसडीओ का वैकेंसी लॉन्च होने जा रही है। ठीक है, तो आप लोग जो स्टूडेंट हैं तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करिए, तो हम अभी यहाँ पर आपको तैयारी करवाते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और जवाब देते जाएंगे। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने, सभी के लिए, सभी को इस चैनल पर स्वागत है। और चलिए अब हम लोग क्लास पढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, कब देंगे कैसे देंगे भी बात होगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा होगा। चलिए, दिखाई दे रहा होगा प्रश्न आप लोग को, कुछ प्रश्न है ऊपर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए। हाँ, इसमें से नंबर एक, दोनों मीडियम में प्रश्न है, जिनको जो समझ में आता है उस मीडियम में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और आवाज सब ठीक होगा और दिखाई पड़ रहा होगा ठीक ठाक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, गरमा गरमा फसल है हमारा, गरमा फसल लगाई जाती है बिहार में, इसे गरमा कहते हैं, क्योंकि बिहार की वैकेंसी थोड़ा सा लैंग्वेज बिहार का रहेगा। लेकिन इसको अदर स्टेट में, बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जायद फसल कहते हैं। तो जायद फसल अगर आप जानते हो तो उसी को यहाँ पर समर क्रॉप बोलते हैं। बिहार में हिंदी में गरमा बोलते हैं, अंग्रेजी में समर बोलते हैं, और आप लोग यहाँ पर जायद समझ के लगा सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से किए होंगे ग्रेजुएशन, तो जायद पढ़ना था, जैसा सोइंग कर रहा है, लगाना मतलब सुई, लगाना मतलब सोइंग, कब सोइंग होता है। जल्दी जवाब दे दी, जल्दी। हाँ, धनंजय जी का एक आ गया, गौतम जी का भी आ गया। हाँ, काफी लोग का एक आ रहा है, एक अखिलेश जी का भी एक आ रहा। और हाँ, चलिए देखते हैं क्या है। फरवरी मार्च यहाँ पर है, और जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, और यहाँ पर अक्टूबर नवंबर है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चार ऑप्शन में से ज्यादा लोग का एक है, कुछ लोग का बी है। ठीक है, एक मतलब फरवरी मार्च, बिल्कुल सही, सोइंग करते हैं फरवरी मार्च में, सोइंग होती है फरवरी मार्च में। हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में शुरू जाता है, क्योंकि 60 दिन में, 60 डेज में ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है इसमें। इसीलिए अगर फरवरी में लगाएं, 60 डेज के बाद अगर हम बात करते हैं, तो अप्रैल मेरा माह आता है, आराम से अप्रैल में फ्रूटिंग होती शुरू हो जाती है। वो आप लोग ककड़ी, तरबूज, खरबूज देखते होंगे कि मार्केट में अप्रैल में आ जाती है, इसीलिए उसी का क्रॉप था ये, जिनका था उनका बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, नंबर दो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, गहरी जड़ वाली फसल, मतलब क्या है यहाँ पर, डीप रूटेड क्रॉप, डीप रूटेड क्रॉप कौन सा है जो हमारा डीप रूटेड क्रॉप है। चार ऑप्शन इसको देख लेंगे, चार ऑप्शन को ध्यान से लिखा हुआ यहाँ पर, मेज, रीट और अरहर पैड़ी, मतलब मक्का, गेहूं और अरहर धान, दोनों मीडियम के लिए दे दिया हूँ आप लोग के लिए। हाँ, देख लेंगे, बता रहे हैं डीप रूटेड, डीप रूटेड मतलब जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, सबका रूट नीचे डीप जाता है, अपेक्षाकृत मोनोकॉट के अपेक्षा। तो मक्का मोनोकॉट था हमारा, गेहूं भी मोनोकॉट है, धान भी मोनोकॉट है, लेकिन अरहर हमारा डाइकॉट था, इसीलिए ये हमारा डीप रूटेड होगा। इसमें मूसला जड़ होता है, टैप रूट होता है, और ये सब में एडवेंटी रूट है, और मक्का में अस्टिल्ट रूट होता है। अस्टिल्ट समझते हो, इसमें हम लोग अस्टिल्ट रूट होता है, ये हमारा टैप रूट इसमें होता है, टैप रूट जानते हो, इसमें एडवेंटी रूट होता है, ये आप लोग को सभी जानना होगा। गेहूं में भी एडवेंटी मतलब कि रेशेदार फाइबरस रूट होता है, कई भाषा हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मक्का, अरहर यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब है। ठीक है, अरहर के लिए जवाब सही था, डीप रूटेड था। ठीक है, आप लोग जितने स्टूडेंट आज बीओ एसडीओ भरेंगे, सब लोग मैसेज करिएगा, सर हम बीओ स्टूडेंट हैं, या किसका है, सेरिकल्चर का, सभी किसी की क्लासेस चलती हैं। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और आ रहा है, देख लेंगे इसको, ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा बड़ा करता हूँ। धान फसल की बढ़वा के लिए उपयुक्त तापक्रम, कितना तापक्रम होता है, अच्छा ये मांग है, इसको देख लेते हैं हम, इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश में आप देख सकते, समझ सकते इसको, कंप्लीट
करा मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग फॉर राइस क्रॉप। राइस क्रॉप, राइस मतलब किस समय होता है राइस, देख लीजिए हम लोग को रेनी सीजन में राइस होता है, उस वक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग को आंसर लगाना होगा। फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए राइस ग्रोन के लिए, राइस क्रॉप ग्रोइंग के लिए। राइस को हम लोग यहाँ पैडी भी लिख सकते हैं, ये पैडी भी लिख रहे हैं, धान, धान की ग्रोइंग के लिए कौन सा सीजन, उसके ग्रोइंग मतलब की उत्पादन के लिए, हम लोग वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जो भी बोलेंगे सभी के लिए आंसर क्या होगा। 10 से 15 सेंटीग्रेड, 30 से 35, 13 आप 20 25, 35 से 14। तो आपको याद नहीं रहता तो कैसे समझेंगे, बताता हूँ। जिस मौसम को तो उसमें तापमान के बारे में अंदाजा लगाइए, ये हमारा रेनी सीजन होता है, धूप भी होता है, वर्षा भी होती है, तो इतना तो 10 से 15 तो होगा नहीं, क्योंकि इतना तापमान तो भी जाड़ा में होता है, ये तो प्योर गलती होगा। और 35-40 भी नहीं होगा, ये गेहूं कटने के बाद जो होती है उसमें टेम्परेचर जब बढ़ता है मई जून में उसमें रहता है, हम लोग को जून जुलाई अगस्त में चाहिए ग्रोन के लिए, सब चले जून जुलाई की बात करता हूँ, तो उस समय हम लोग को जो टेम्परेचर होगा एक्यूरेट जो सूटेबल होगा 20 से 25 सेंटीमीटर, हमारे सेंटीग्रेड चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ठीक है, बी सबका था, आरडीएस बाबू जी का, रिशु जी, हाँ धनंजय जी, रोहित जी, अमन जी, सुजीत जी, बहुत है, रिया राज, सुधांशु जी, गौतम जी, अखिलेश जी, सईद हुसैन जी, ठीक है, सभी के लिए सबको स्वागत है। और तैयारी आप लोग करेंगे एग्रीकल्चर का किसी भी विभाग में आप तैयारी करते हो किसी भी सब्जेक्ट से एग्रीकल्चर किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको ये सब क्वेश्चन सभी हेल्प होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए करा मक्का का बोटनिकल लैब, हर तरह का क्वेश्चन है, सिंपल भी है, बोटनिकल लैब ऑफ मेज, ठीक है, ये का पूछा आपको चारों जानना है, चार बार फोर का जानेंगे, मिजिया मेज करा बोटनिकल नेम ऑफ मेज, मेज का बोटनिकल नेम बताना आप लोग को जल्दी जल्दी। पहला लिखा लो राजा सटाइवा, जिया मेज, और केजानस केजान, टिटकम एस्टिवम। अब इन लोग को हम लोग का ऑप्शन समझना रहता, इन लोग का ऑप्शन कैसे याद रहेगा, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, मैं मानता हूँ कि काफी इसमें से याद आप लोग का, फिर भी हम कुछ कोशिश करता हूँ कि आपको सभी चारों लोड हो जाए। चलिए ठीक है, आप लोग उत्तर आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला बात करता हूँ, पहला लिखा हुआ है किसका, ये ओरेस्ट टेबा, ये पैडी का, पैडी मींस हो गया धान, ये हमारा धान का, और धान देखिए हम लोग पैडी घर में राइस बनाते हैं, तो राइस किसी दिन गर्मी का मौसम बना लिए और सुबह बना लिए, सुबह खाए नहीं तो शाम को क्या हो जाता है, बिहारी भाषा में बताते हैं ओरा गया, और आने बाद राइस वो सट जाता है, लिखे लेखक ओराजा सटाएवा, इसीलिए नाम सेट किया गया ओराजा सटाएवा, सट गया। अब देखिए यहाँ पर जिया मेज लिखा हुआ, आप कभी ट्रेन में सफर क्यों, कभी बस सफर का भूख लग जाए, और भूख लग जाता है और पैसा भी पैकेट में कम है, और आपको जीना भी है, जीना भी है, जिया भी, जीना भी जरूरी है और पैसा भी कम है, तो क्या खाते हैं, मेज, मेज का भुट्टा मिलता है, जिया मेज, मक्का मतलब जिया मेज, ये हम लोग मक्का मतलब क्या हुआ, जिया मेज हम लोग मक्का बोलते हैं। ये आपको है देखिएगा टिटकम एस्टिवम लिखा हुआ, टिटकम देखिए आप लोग गेहूं के बारे में होता है, जब गेहूं को हम लोग गेहूं से आटा बनाने के लिए धोते हैं, फिर छत पर सूखने देते हैं, तो सूखने को चेक करते हैं, देहाती जो टेम्परेचर सूखने का चेक करने का तरीका, दास तोड़ते हैं, जैसे दास तोड़े ट्रिक की आवाज आएगा, ट्रिक करेगा तो ट्रिक हो गया, तो टिटकम हो गया हमारा, भीत का हो गया, किसका हो गया, ये भीत का, देखे थे ये हम लोग का भीत हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा भीत हो गया। और आप अरहर जानते नहीं, अरहर पहचानते के जानस, कौन जानता है, तो के जानस कजान, ये अरहर का हमारा है, अरहर, अरहर मीन्स तूर, इसको राहर भी बोलते हैं कई जगह पर, अरहर बोलते हैं, तूर बोलते हैं, के जानस कजान कहते हैं, कई नाम है सबका, इसीलिए हमारा यहाँ उत्तर हो गया जिया मेज, ठीक है। तो समझ में आ गया, चारों बात कर लीजिएगा कि बोटिकल, हाँ यहाँ पर एक पूछा गया लेकिन आगे तो मिल सकता है सब कुछ, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं आप। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आप लोग के लिए, देखिए यहाँ पर करा कटाई के समय, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, करा कटाई के समय धान में दानों में नमी परसेंटेज, यहाँ करा
एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग राइस सीड मॉइस्चर। इसको पढ़ के समझ के लगाइएगा, हम थोड़ा सा जगह देता हूं देखने के लिए। लीजिए चलिए बनाइए इसको जल्दी जल्दी। हाँ अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, हमें कहना नहीं पड़े। लीजिए देखिए देखिए जल्दी जल्दी टेम्परेचर कितना आ रहा है उत्तर, इसको हम बढ़िया समझाएंगे लास्ट में। देखिए आ गया रोहित जी के पी आ गया, रोहित जी के बी आ गया, और किनका रहा क्या हम जानता हूँ, काफी लोग इसमें मिस करेंगे इसीलिए हम छोड़ा हूँ टाइम दिया हूँ। सरोज जी का बी, धनंजय का सी आ गया, सुजीत जी का बी आ गया, बाबुल जी का 12-14 के परसेंटेज। देखिए अब समझिएगा, आप लोग तैयारी करने आए हैं और तैयारी करते हैं, काफी लोग का गलत है, ज्यादा उत्तर जो आया है वही ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कटाई के समय हार्वेस्टिंग के समय, मतलब फील्ड में पैडी का जो फील्ड होता है, फील्ड में ही जब काटते हैं उस वक्त, अब आप लोग जानते हैं सर कौन लगा रहे हैं, जब स्टोरेज में रखते हैं अलग होती है, स्टोरेज के समय में रखते हैं उसकी नमी अलग होती है, स्टोरेज के परसेंटेज आप लोग उत्तर दे दिया, ये आपको समझना होगा। इसीलिए कहें बढ़िया से प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को तभी तो समझ में आएगा। तो स्टोरेज समय में पूछता है मॉइस्चर परसेंटेज, मॉइस्चर परसेंटेज पूछता है, तो वो जवाब अलग होती है। और हार्वेस्टिंग हमको धान को कटाई करना है, हार्वेस्टिंग करना है, उस वक्त क्या होगा मॉइस्चर नमी, ये चीज पूछ रहा था क्वेश्चन। आप समझ में आया, अब लगाइए बढ़िया से उत्तर लगाएंगे, अब जवाब दीजिए। अब देखिए कहां से मिस किए आप लोग प्रश्न समझते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन आप पीजी कर रहे हो, मैं इंटर कर रहे हो कोई भी, या कहीं से देख रहे होंगे इसको, इंटर में बीएससी में ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जाता है या स्टोरेज के समय में नमी वाली पढ़ाई जाती है, स्टोरेज समय में नमी कितना हमको रखना होगा जब किसी ग्रेन को रखते हैं उसका, तो वो 12-14% पढ़ते होंगे। आप समझ में आ गया? हाँ राम रामजा जी, रोहित सिंह जी हैं, आप समझ में आ गया। अब बताइए कौन उत्तर होगा, आप देख के बताएंगे कि सी हमारा आंसर जाएगा सी। एक कटाई के समय में, स्टोरेज के समय में होता तो हम लोग लगाते बी लगाते, हम लोग ये लगाते जब स्टोरेज का रहता तब हम ये लगाते, ये वाला स्टोरेज में भी 12-20 ये भी डायरेक्ट होता, 12-14 लगाते, ये लगाते हम लोग, लेकिन हमको हार्वेस्टिंग समय में। आप समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ गया तो ये बोलेंगे हाँ सर जो थोड़ा कंफ्यूजन हो गए थे, कैसे कंफ्यूजन हो गए समझ में आ गया ना, हम लोग को ये वाला लगाना था उत्तर। खेत में काटने समय पूछ रहा है, खेत का टेम्परेचर वहां पर नमी पूछ रहा है, तो ठीक है आंसर था आंसर, इसीलिए कहते हम छोड़ देते हैं, आपको आराम से दीजिए। ऐसी तरह परीक्षा में जब आएगी, आपको बीओ के एग्जाम में आएगा, तो आप लोग ध्वस्त हो जाएंगे ना, वहां का लगेगा कि हम तो सिंपल था, आसान एकदम, बिल्कुल मेरा सही आंसर था, लेकिन ऐसा गलत हो जाता है। तो ठीक आगे बढ़ते हैं, करा बिहार में गेहूं के सिंचित, सिंचित मतलब आयरिगेटेड, करा विलंब से बुआई का समय, सिंचित है और लेट है, करा यहाँ पर सोइंग ऑफ आयरिगेटेड लेट टाइम भीट वैरायटीज इन बिहार, बिहार में जो लेट बुआई करेंगे और आयरिगेटेड एरिया में करेंगे, सिंचित क्षेत्र में करेंगे, तो कब से कब हम बुआई करेंगे, किसका भीट का, चलिए देख के बताएंगे जल्दी, टाइम लीजिए और बताइए। इसमें लिखा हुआ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और इधर 15 नवंबर से 30 नवंबर दिया हुआ, 10 दिसंबर से 30 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं, देख लेंगे आप लोग को गांव एरिया में कब तक गेहूं की बुआई होते रहा, कब तक गेहूं की बुआई होते रहा, लेट लिखा विलंब से मतलब लेट टाइमिंग, लेकिन आयरिगेटेड है, पानी हमको तो लेट में हम बो सकते हैं, लेकिन पानी नहीं रहता है, इरिगेशन सुविधा नहीं, तो हम लोग आगे ही लगा देते हैं और लेट लगाना पानी चाहिए। हाँ राजा रिया राज जी बोल रहे हैं, फिर से एक बार समझ जा दीजिए, ये समझ जाइएगा, ये रिकॉर्ड होगी आपके मोबाइल पर, आप इसको बार बार देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा समझा हुआ, ठीक है, ऑनलाइन में ही सुविधा है आप लोग को, जो हम बोल दिए रिकॉर्ड हो गया। हाँ आ गया, कितना आ गया, रिलेश जी कौन आ गया, राकेश जी है सर, हाँ ठीक है आ गया सी, सी इसमें जवाब वाले बिल्कुल सही, सी वाले 10 दिसंबर से 30 दिसंबर लास्ट में, ये नवंबर दिसंबर, नवंबर बोला ये मिड टाइम का है, ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर
ओरिजिनल टाइम है हम लोग को, तो ये आगे लगाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद मिड में लेट में 31 दिसंबर तक पानी सुविधा है, तो लेट वैरायटी होती है, लास्ट में ही सोइंग होता है। यहाँ पर हमारा उत्तर इस कंडीशन के अनुसार से लेट टाइम एरिगेशन अगर इसको मिलाते 10 दिसंबर, अभी आप देखोगे दिसंबर में भी लग रही है, गेहूं लगा था, ठीक है, इसलिए ऐसा था उत्तर, इसीलिए बोले थे बढ़िया से समझेंगे प्रश्न को, कंडीशन दिया हुआ था, नहीं तो आप लोगों का सही जवाब था, वो एक लगाए थे सही था। चलिए 7 नंबर को बढ़िया से पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे जवाब देंगे, ठीक है ओके। चलिए यहाँ पर कह रहा है चना का उपटा रोग, मतलब बिल्ट डिजीज ऑफ ग्राम, साइंटिफिक नेम फॉर काउज ऑफ बिल्ट डिजीज इन ग्राम, उसका क्या जो बिल्ट डिजीज होता है ग्राम में उसका काउज क्या है और काउज का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। चार ऑप्शन है, फ्यूजोरियम एक्सप्लोरियम और एक्सेलेंस एस्ट्रोमासा लिखा हुआ और हेल्बी कोर्पा आर्बिजेरा और स्कलरोटियम रोसेलफाई, इसको देख लेंगे कैसा होता है, जल्दी देख लेंगे। ये बहुत सीधा जवाब है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और काफी बार आप पढ़े होंगे, लीजिए बढ़िया से देखिए सुन लीजिए। हाँ धनंजय का एक आ गया और आरिश चौधरी जी का एक आ गया, सुमित जी का आ गया, अच्छा जी ठीक है, सरोज जी सुजीत जी ठीक है, सब लोग देंगे। ये कौन सा होगा, ये तो आप पढ़े होंगे, सभी लोग याद होगा, नहीं तो याद रखिए, अगर याद अच्छी बात नहीं तो याद रखेंगे। हाँ शिवानी वर्मा जी भी आ गए हैं, चलिए उनको भी याद है। एक है एक फ्यूजोरियम एक्सस्पोरियम, ये फ्यूजोरियम फंगस है, ये फंगस है, फंगस मतलब फंजाई, फंगस मतलब फंजाई, ये फंजाई से होता है फ्यूजोरियम एक्सस्पोरियम, फंजाई है, इसी से बिल्ट जो होता है ग्राम में बिल्ट इसी से होगा, अरहर में बिल्ट इसी से होगा, पी जिसमें पी हो मटर हो या पल्स क्रॉप लेग्यूम क्रॉप कुछ भी हो सब में बिल्ट ऑक्सिस्पोरियम फ्यूजोरियम ऑक्सिस्पोरियम होता है, फंगस होता है, ठीक है ये आप जानते होंगे, ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है ये आते रहेगा सब लोग जानते बताते रहेंगे। चलिए इसको देख लेंगे, अब बिहार का स्पेशल आ गया, बिहार में गन्ना खेती की जाती कितना पर देख के बताएंगे, कह रहा है बिहार में गन्ना की खेती की जाती है 1.5 लाख हेक्टर, 2.5 लाख हेक्टर, 3 लाख हेक्टर और 3.5 लाख, ये रेंज बदलते रहता है, ठीक है ना, लेकिन लेकिन कुछ तो होगा ऐसा कि लगभग उसी के आसपास चलता है गन्ना। बिहार में पहले गन्ना का बिल बहुत था, अब धीरे धीरे कम हो गया है, तो कम होने के बाद उसका क्षेत्रफल भी घट गया पहले के तुलना में, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कितना अभी कर रहा है बिहार की भाषा में, अभी जो हमारा बुक में डाटा अवेलेबल है उस डाटा के हिसाब से यहाँ पर हो रहा है, डाटा के हिसाब से। हाँ बाबुल कुमार जी सहरसा से, ठीक है, कह रहे हैं कि 8 का कितना होगा, हाँ ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बी बता रहे हैं बी 2.5 लाख, बिल्कुल सही है, 2.5 लाख हेक्टर में गन्ना का खेती बिहार राज्य में हो रहा है, ये बिहार के लिए है, तो बिहार का मैटर थोड़ा डालना था इसीलिए हम डाल कि बिहार का नॉलेज भी क्षेत्रीय नॉलेज चाहिए थोड़ा सा इसीलिए रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज में थी ये आपको समझ में आ गया, हाँ ये देख लेंगे थोड़ा सा, कह रहा मिट्टी में रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब पोर स्पेस, पोर स्पेस की बात करते हैं यहां पर, कह रहा पोर स्पेस या पोर्स इन सॉइल टू, मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स इसी बोलते हैं सूक्ष्म और दीर्घ बोलते हैं दोनों, अब बोथ एंड बी और इधर दिया नन दिया है, तो मिट्टी जो पढ़ते हैं सॉइल, मिट्टी मतलब सॉइल, सॉइल साइंस पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ना था, इसमें मैक्रोपोर स्पेस और मैक्रोस्पोर स्पेस दो तरह के पोर्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, तो मैक्रो माइक्रो में से कौन होगा, देखिए मैक्रो में वाटर रहता है, मैक्रो क्या रहता है वाटर रहता है, और माइक्रो में स्पेलिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ है, माइक्रो सी छूटा हुआ, ठीक है, एम आई सर, माइक्रो में देखिए यहां पर माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो लिखा हुआ रहेगा मतलब बड़ा क्षेत्र, उसमें वाटर रहता है, और माइक्रो में क्या रहता है हम लोग को एयर रहता है, और ये दोनों को होना जरूरी है, ये दोनों रहेगा तभी उल्टा हो गया, ये मैक्रो माइक्रो में हुआ हम लोग को उल्टा हो गया, माइक्रो में हम लोग पास रहता है यहां पर रहता है वाटर,
वाटर और इसमें रहता है एयर, इसमें एयर रहता है। चलिए उल्टा हो गया था, माइक्रोपोरोस्पेस जिसमें जितना ज्यादा होता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा होता है। अब दोनों होता है तो दोनों तो लगाएंगे, ये दोनों होगा आंसर, दोनों। ये आप याद रखिए किसमें वाटर और किसमें एयर। जैसे कि हम अभी बोलने में चेंज कर दिए तो गलती से आपका भी परिचय अगर चेंज हो गया तो सब दिन के लिए गलती हो जाएगा ना, तो सुधार लीजिएगा। मैक्रो एम आई सी आर होता है, मैक्रो एम आई सी आर ओ सूक्ष्म रंध्र है, उसमें आपको माइक्रो में क्या था वाटर और मैक्रो हवा रहता है, इसमें एयर रहता है। दोनों बिल्कुल सही याद रखिएगा और परीक्षा में आता है। दोनों का परसेंटेज आप जानते होंगे 25-25 रहता है, बराबर रहता है, बराबर तो अच्छी बात है। तो ठीक है, इसको जानिएगा। हाँ चलिए इसको देखते हैं अभी, कर आइए जल उपयोग खपत। जल का उपयोग जो होता है खपत होता है, तो कितना खपत होता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे। करा कंजप्शन यूज और वाटर इज इक्वल टू, इक्वल कितना वाटर इक्वल होता है। कंजप्शन इसकी बात करते हैं, बाष्पीकरण माने इवापोरेशन, बाष्पीकरण प्लस बाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। जब बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन दिया हुआ, नीचे में इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, वाटर नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म। तो जल का उपयोग खपत कौन आंसर होगा सूटेबल, ये हम लोग को लगाना है। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, जो वाटर हम लोग खेत में लगाते हैं क्रॉप, तो क्रॉप का उपयोग जो होता है तो किसकी चीज में उपयोग होता है वाटर, तो टोटल हम लोग कितना जरूरत पड़ेगा। हाँ आगे अस्तम जी, हाँ थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया डी, बता दिए शिवानी जी बहुत ज्यादा, ऋषु राज जी हुए डी है, अनिश चतुर्वेदी जी हैं डी हैं, अनिश जी चल ठीक है, और कौन कौन डी है, बाबुल जी डी लगाए हुए हैं, हाँ सीएम है इंटर में आता है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सब लोग डी लगाए हुए हैं, तो मेरा भी तो डी है, बिल्कुल सही जवाब है। ये सब कुछ इवापोरेशन के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, अब मेटाबॉलिज्म में जितना आवश्यकता होगा वाटर, वो तीनों मिलाएंगे तो हम लोग को आवश्यकता पड़ता है वाटर। किसके लिए, एक किसी भी प्लांट को कितना वाटर चाहिए, इतना उपयोग होगा, इतना वाटर चाहिए, ये सभी चीज मिला करके सही जवाब था। ठीक है चलिए यहां पर आगे हम लोग, घास परिवार के खरपतवार, कौन परिवार का, घास परिवार खरपतवार उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ ग्रामिनी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली हो, पोएसी फैमिली हो, घास फैमिली हो, तीनों एक ही फैमिली था। इस फैमिली का कर है कौन सा बीड है, बीड खरपतवार मतलब बीड बताना हम लोग को, बीड कौन सा बीड होगा, सोलनाग्रम एस्फोडिलस फेस्टुलस सैक्रम स्पोंटेनियम कार्पोरस इक्विलेटरम, बताएंगे जल्दी जल्दी कौन सा होगा, ये आप लोग को जल्दी बताएंगे, हम लोग बात करेंगे, हम चारों पर बात करेंगे, आपको बताना है जब तक कौन सा है जो ग्रामीण फैमिली का बीड है। ग्रामीण मतलब घास जिसका गेहूं धान ज्वार बाजरा मक्का गन्ना होता है ना आप लोग को, उसी फैमिली का बीड भी होता है, उसी फैमिली के बताना है। हाँ प्रदीप जी का आ गया, प्रदीप निशान जी का एक आ गया, ऋषु जी का एक आ रहा है, और सिंह जी का, रवि कांत जी का एक आ रहा है, और जल्दी बताएंगे किनका क्या आ रहा है। एक देखिएगा सोलन डायग्राम, सब लोग बता रहे हैं सोलन, आपको हिंदी में मकोई बोलते हैं, इसको मकोई कहते हैं, ठीक है मकोई, मकोई का जो पौधा होता है, देखिए नाम देखिए सोलनम, इस सोलनम लगा हुआ है, इसका फैमिली हो जाता है सोलनेसी, ये हमारा सोलनेसी फैमिली का, सोलनम से पकड़ ले सोलनेसी फैमिली, तो एक जो लगा है उत्तर उनका पक्का गलती है, प्योर गलती उत्तर था एक वाले, क्योंकि सोलनम नाइग्राम लिखा हुआ मकोई, ये देखिएगा खरीफ मौसम में मक्का के खेत में किनारे में मिलता है, रिज के पास मतलब आरिक पास ही मिलता है, इसीलिए गलत था। चलिए और बताएंगे, एक जिंगा गलत था, अब लगा रहे हैं, जो लगाई बताऊंगा सबके बारे में, अब नहीं जानते हैं बताता हूं। गन्ना का बोटनिकल नेम क्या है, गन्ना का बोटनिकल नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम, और यहां पर लिखा हुआ है सैक्रम स्पोंटेनम, सैक्रम स्पोंटेनम, गन्ना जैसा एक कांस का प्लांट होता है, कांस का प्लांट होता है, और एक गन्ना जैसा दिखता है, और गन्ना के जैसा होता है,
और ये उसी का फैमिली का है, चक्रम स्पोंटेनम, गन्ना का ही परिवार है, गन्ना के पूर्वज है, गन्ना के परिवार पूर्वज है, माता पिता है यही है, और उन्हीं का ये बीड में हम लोग उपयोग करते हैं, बीड है ये हमारा उत्तर सही है, बीड है हमारे एग्रीकल्चर के लिए बीड़ो है। चलिए समझ में आ, कारकोरस लिखा हुआ ये जूट का बीड है, हम लोग ये जान रहे थे उत्तर यहाँ पर, चल ठीक है समझ में आ गया कुछ, उत्तर क्या लगा लेंगे बी पढ़ेंगे, फैमिली को पकड़ना रहता है बीड में, इसको हम प्लांट में पढ़ते हैं फैमिली, हम लोग बीड का भी फैमिली हम लोग को पढ़ना होता है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, जैविक खेती, जैविक खेती में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक खेती में प्रयोग नहीं किया जाता कर यहाँ पर, ऑर्गेनिक खेती में प्रयोग नहीं, जैविक खेती में प्रयोग नहीं किया जाता, क्या प्रयोग नहीं करते हैं जैविक में इसे हम लोग देखते हैं, करा नॉट यूज इन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, माने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन यूज नहीं हो रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ देखेंगे रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, और यहाँ पर कीटनाशक इंसेक्टिसाइड, खरपतवार नाशक वीडिसाइड या हर्बिसाइड, इनमें से सभी माने कि ऑल द ऑफ दिस किसी हमें यूज नहीं करना है, इसको हम लोग को देख के बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए, देख करके बताइए लीजिए। हाँ ऑर्गेनिक खेती जब हम लोग करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती में ऑर्गेनिक चीज लेंगे, बायो फर्टिलाइजर लेंगे, गोबर की खाद लेंगे, केचुआ खाद ले लेंगे हम लोग, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, लेकिन हम लोग केमिकल चीज कुछ भी होता है, कुछ भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, कुछ भी केमिकल नहीं यूज करते हैं, कुछ भी केमिकल मतलब हम लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर नॉट यूज, ठीक है ये नहीं यूज करते हैं, ये खत्म हो गया। कीटनाशक भी हमारा केमिकल होता है, कीटनाशक को हमको मारना है, कीट को मारना है तो हर्बिस आपको डालते हैं, बायो कीटनाशी डालते हैं, नीम खाली कीटनाशक है लेकिन केमिकल में नहीं आता वो, तो हम लोग ये वाला भी गलत है, भी यूज नहीं करते, इंसेक्टिसाइड भी नहीं डालते हैं, ठीक है। अब अच्छा वीडिसाइड भी केमिकल होता है, ये भी हम लोग नहीं डालते हैं, इनमें से सभी है, इसमें से कोई नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक जब खेती हम लोग करेंगे इनमें से कुछ नहीं डालेंगे, ये हम लोग को समझना था, जानना था, ठीक है चलिए अच्छा था जान दे, ये सब आप लेवल का क्वेश्चन, आप लोग का लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग को चलिए ठीक ध्यान देता हूं पर, लिखिए यहाँ कर फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण से लाभ, मैंने रिसाइक्लिंग से क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ रिसाइक्लिंग ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, अभी देखते होंगे मार्केट में पूरा सरकार तरफ से पूरा जोर है, दिल्ली से लेकर के पूरा इंडिया तक सभी जगह पर की क्रॉप प्रोड्यूस जो बचता हमारा अवशेष बचता है उसको जलाना नहीं है, उसको क्या करना है डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज मतलब सड़ना गलना, सड़ा गला करके खेत में डाल देना है, तो सर क्या लाभ होगा, एडवांटेज मांग रहा है हम लोग को, बेनिफिट्स मांग रहा है, अगर हम प्लांट का अवशेष भाग बच गया तो सड़ा गला देंगे खेत में तो क्या लाभ होगा हमें, ऐसा प्रश्न हम लोग को बताना है। नंबर एक हो गया कर रहा कि इंक्रीज द अवेलेबल अवेलेबिलिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव में वृद्धि होगा, कर रहा पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होगा, और कर रहा ये और बी दोनों होगा, इनमें से सभी होगा, ऐसा देख के बताएंगे, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर करने के लिए जल्दी बता देंगे, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, इंग्लिश में दो ऑप्शन नहीं चार ऑप्शन है, यहाँ पर लगा लेंगे चार ऑप्शन दिख रहा है, चार में से सूटेबल आंसर कौन सा होगा, सूटेबल आंसर कौन सा होगा देख लेंगे इसमें जल्दी बताएं। हाँ उत्तर आ गया, चलिए देखता हूँ आप लोग का, हाँ सातम जी का आ गया, डी आ गया, शिवानी जी का सी आ गया, हाँ शिवानी बन जी सर मेरा सही है था, धनंजय जी का डी आ गया, प्रदीप जी का निशांत जी का आ गया, नीचे की साइड से नीचे साइड तो नहीं है सही, ये हम सी लगा देगा दोनों तो सभी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और करने जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हम लोग सी में दोनों ले लिए, यहाँ पर हम लोग का ऐसा नहीं होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन है प्रिंट रहे तो कोई बात नहीं सी लगा लेंगे, सी जिनका जिनका था वो सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब था। चलिए समझ में आ रहा है तो आप लोग, हम जान रहा हूँ कि कुछ एक यहाँ पर चले कुछ यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर कुछ बताता हूँ आप लोग को, खाली जगह है तो थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं,
काफी स्टूडेंट आज को मालूम था कि हम बीओ का बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये बीओ का ही बैच है, बीओ से संबंधित मतलब क्या समझिए पहले इसको, बीएओ, बीओ मतलब समझता हूँ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, बीपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, बीपीएससी द्वारा है। बीपीएससी से आएगा मतलब क्या हो गया, हम ब्लॉक ऑफिसर का वैकेंसी आने वाली, ठीक है। एक आप लोग को आने वाली एसडीओ का, एसडीएओ, ये भी आपको बीपीसी का भी एग्जाम कराती है, ठीक है। लेने वाला है सब डिविजनल, सब डिविजनल एग्रीकल्चरल, चलिए ऑफिसर करता हूं, सॉर्ट करता हूं, ऑफिसर का होगा। लेकिन दोनों का मूड अलग होता है, मूड मतलब कि मूड कैसा होता है। ये जो हमारा होता है, ये जो आपको देखते हैं ये वाला, ये सब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ये समझना होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाई होती है, अलग अलग ढंग से होती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में कॉमन है सिलेबस, लेकिन मॉडल है अलग अलग, एक में लिखना है एक में ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में तो अंदाजा को भी आप लगा सकते हैं, गलती से लॉटरी लग गया, आपकी किस्मत हेल्प किया तो आपका रिजल्ट हो जाता है। लेकिन लिखने वाले में किस्मत के साथ साथ हाथ का पावर चाहिए, माइंड चाहिए, और हाथ में पावर किस प्रकार से आप लिख सकते हैं वो, माने कि पढ़ा हुआ तो रहता है मैटर, सो निकालने आने की क्षमता होनी चाहिए, तो वो होता है। उसके बाद दोनों में इंटरव्यू 50 नंबर का, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है दोनों में। तो आप लोग इंटरव्यू को टेंशन नहीं, आगे आप पढ़ने की भी कोई टेंशन नहीं लेना, आप लोग को लगातार पढ़ेंगे। तो ये बैच को हम लॉन्च कर रहा हूँ दोनों बैच का, तो पहले आपको बीओ ए बैच को तुरंत, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मॉडल में है, तो ऑब्जेक्टिव मॉडल का है जो थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा पढ़ाऊंगा कि एसडीओ का भी प्रिपरेशन या पूरा कॉन्सेप्ट क्लास दूंगा, और बीच में एमसीक्यू भी चलाऊंगा, एमसीक्यू और प्लस सब्जेक्टिव माने ऑब्जेक्टिव दोनों। यहाँ पर बात करता हूँ हम लोग जो पढ़ाएंगे हम इसके लिए, तो सब्जेक्टिव जैसे पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो इसमें अपने आप ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो दोनों मॉडल के साथ पढ़ते हैं तो आप लोग को हेल्प मिलेगा दोनों एग्जाम में, क्यों सब कुछ तो वही चैप्टर पढ़ना है, आप चैप्टर में कोई अंतर नहीं, ठीक है। केवल मॉडल है अलग, लिखने का तरीका अलग है, तो जिनको जैसी कैपेसिटी होती है उसे कवर करेंगे, एग्जाम को निकाल लेते हैं। फार्म भरना सभी को सभी में, जिसमें हो जाए, किन्हीं का माइंड होता है लिखने का पावर अधिक होता है, ऑब्जेक्टिव में कमजोर होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि ऑब्जेक्टिव उनको ज्यादा बढ़िया होता है, सब्जेक्टिव में दिक्कत होता है। फिर कोई नहीं को होता है कि लिखने बढ़िया आता तो बोलने नहीं आता, इंटरव्यू में दिक्कत होता है। किन्हीं को लिखने बढ़िया खराब है तो बोलने में मजा आता है, तो इंटरव्यू उनको ज्यादा नंबर मिल जाता है। मैंने हर तरह का सरकार शेड किया कि हर लेवल से हम बढ़िया स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, बढ़िया व्यक्ति को। हाँ, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं प्रदीप जी, कोई दिक्कत नहीं। ये बीपीएससी जब ऑर्गेनाइज करती है तो पूरा इंडिया के लिए फ्री रहता है। अब जिनका जितना नंबर बढ़िया आ जाए सिलेक्शन हो जाएगा उनका, इसमें बिहार और राज्य अलग नहीं होता है। जनरल सीट पर इंडिया के किसी भी राज्य कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ रिजर्वेशन को कवर नहीं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं का जाए। लेकिन आपको जहां भी हो पढ़ना होगा, तो बिहार में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाहर भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ाई में कंपटीशन लड़ना होगा सबसे। तो क्या क्या हम लोग कम से कम पढ़ना होगा, तो नंबर एक आपको एग्रीकल्चर पेपर तैयारी करनी होगी, एग्रीकल्चर पेपर तैयारी करना होगा। सिलेबस में लिखा है कि दो पेपर होगा तो दो सीटिंग होगा एग्जाम, 100-100 क्वेश्चन का, ठीक है। और क्या था नंबर दो, जीके जीएस का होगा, जीके एंड जीएस का होगा, जीके जीएस का एक पेपर होगा इसका एक पेपर होगा, और एक होगा आपका हिंदी का होगा एक पेपर, ठीक है। लेकिन ये हिंदी जो होगा ये क्वालिफाई क्या हम लोग करेंगे, इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता तभी आगे चेक होता। अब जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से कैसे पास किए हों और हिंदी में उनको प्रॉब्लम है तो गारंटी फंस जाएंगे यहाँ पर। इसीलिए अब बिहार को या किसी राज्य को हिंदी भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इंग्लिश है। मैंने हम कह रहे हैं दोनों मीडियम का स्टूडेंट है तो उनको काफी माने की सुविधा होती है आगे बढ़ने में। हम ऐसा नहीं कहते हिंदी खराब या अंग्रेजी खराब है, दोनों जिनके पास है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिस मीडियम में आया उस मीडियम में निकल गए, जैसा क्वेश्चन किया और सामने कर लिख देते हैं। तो इन लोग दोनों मीडियम ज्यादा रहिएगा, ज्यादा सुटेबल होगा आपके लिए।
हाँ वैकेंसी कब तक आएगी? वैकेंसी तो इस सरकार बता पाए कब तक एक्यूरेट, लेकिन आप नोटिफिकेशन दिन हम आपको दिए थे कि बीपीएससी के द्वारा पास वहां पर अध्याचना के लिए चला गया, मतलब सब कुछ हो गया है, अब खाली जिस दिन सरकार घोषणा कर दे उसी दिन हो जाएगा, आपको तैयारी करते रहना है। तो आपको आज से हम बैच लॉन्च कर रहा हूँ इस बैच के लिए, तो ये सब मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो संभव है, जितना ज्यादा ज्यादा पीडीएफ के रूप में वो आपको व्हाट्सएप पर जाएगा और फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और ऐप पर जो रहेगा आपसे निकलता नहीं लेकिन बाकी निकल जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग कुछ लेंगे, तो लेते कुछ नहीं, देते सब कुछ है, लेते ज्यादा कुछ नहीं। आपको रेगुलर क्लास मिलेगा, रेगुलर लेवल वन हावर का क्लास मिलेगा, ठीक है, लाइव क्लास। अगर किसी कारण से मिस कर गया क्लास तो आपको रिकॉर्ड क्लास में अभी पढ़ाएंगे, अभी भागिए का नहीं, पढ़ाएंगे अभी बहुत, ठीक है। और इसके बाद अगर छूट गया तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लास मिल जाएगा, ठीक है, अवेलेबल ऐप पर, ठीक है। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, कुछ नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू भी चलेगा, सब्जेक्टिव भी चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। ये इसको मिलने के बाद जो हम लोग करेंगे क्या, कहाँ मिलेगा, इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना होगा, कुछ नहीं, एक ऐप डाउनलोड करना है आप लोग को, फ्री डाउनलोड है ऐप, ऐप पर डाउनलोड में पैसा नहीं लगता, ठीक है, आप जानेंगे किन्हीं का भी हो, मेरा फ्री है, एडवांस एडवांस एडुकेयर, एडवांस एडुकेयर है ये, डाउनलोड हो जाएगा यहां से, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं नालंदा से, हम नालंदा से, जिनको अभी फोन करना होगा वो फोन करके पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं, यहाँ पर जो भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है तो 88094434 पर हम मिलेंगे आप लोग को, यहाँ से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हाँ, कितना लोग पूछते हैं फोन पर डेली, सर कितना पैसा लेते हैं? पैसा नॉर्मल, समझिए कि आपको एक दिन भी भूल गया पैसा, पैसा बहुत आएगा जाएगा, लेते नहीं। आपको क्लास हम दे रहा हूँ 12 माह 12 माह 1 माह 12 माह बस मात्र 1100 फी ज्यादा नहीं लगेगा, 12 माह और फी रहेगा हम लोग को बस 1200, ज्यादा नहीं है, 1 माह में 100। एक 12 महीना के लिए हम सोच के चला हूं कि अगर एक कितनों लेट हुआ, 1 साल तक हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ऐप पर जिनको यूट्यूब पर पढ़ना है वो पढ़ते रहेंगे, हम लोग आते रहते हैं बीच बीच में यूट्यूब पर, तो कोई दिक्कत नहीं। 12 महीना 1200 है, ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, इसमें आप लोग को जिनको अधिकारी बनना है, योग्यता क्या होती है, मिनिमम बीएससी एग्रीकल्चर होती है, मिनिमम आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर आपको होना होगा, बीएससी फॉरेस्ट्री भी देता है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सब में ज्वाइन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किस कॉलेज से हो नहीं बोला जाता, पूछा था सत्यम जी किस कॉलेज से है, इसीलिए बोले हिंदी जानिएगा, किस कॉलेज से हो शब्द हिंदी में यूज नहीं होता, किस कॉलेज से है पूछना चाहिए आपको, हिंदी सिखा देंगे, हिंदी पढ़ लीजिएगा। और मेरा आपको देना चाहते हैं तो बिहार राज्य में एसडीओ एग्रीकल्चर जो भी 2021 में हुआ, देखे होंगे 21 में इंटरव्यू हुआ था, तो बिहार राज्य का मेरा देख लीजिएगा कितना 80% नंबर हमारे पास है, 80% बीपीएससी द्वारा एसडीओ एग्रीकल्चर के लिए जब इंटरव्यू हुआ था, तो आप लोग काफी रखा हुआ है, रोल नंबर दे देंगे और नेट पर खोज के देख लीजिएगा, इंटरव्यू लेटर दिखा देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। काफी स्टूडेंट यहाँ तैयारी करने आते हैं, तो लोग को भी काफी हेल्प किए थे मैंने, और काफी लोग सेलेक्टेड हैं, ऐसा नहीं कि हम बता रहा हूँ, काफी स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट हुए हैं ना, तो मिलते रहते काफी लोग, मुलाकात हो जाएगी। और जो आप लोग लिखते हैं मैसेज, थोड़ा सा इंग्लिश को बढ़िया से लिखिएगा हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी मोड में लिखते हैं ठीक है तो हो नहीं चलता। इंडिया में हम देखता हूँ काफी लोग सब हो बोलते हैं, कहाँ से हो, कहाँ से हैं, तो आप इंग्लिश क्वालिफाई कर दिए, लिखना था हिंदी में लिखना है, राइटिंग होता है हिंदी में, ऑब्जेक्टिव हिंदी नहीं होती है एसडीओ के लिए, तो लिख दीजिएगा हो तो नंबर खत्म। हम अपनी कॉपी आपको जारी करेंगे, देखिएगा जीके जिसका या एग्रीकल्चर का या हिंदी तो नहीं मंगाए थे बाकी को, तो उसमें देखिएगा कि बहुत मामूली गलती पर आपके नंबर कट जाती है, और ज्यादा लोग फेल हिंदी पेपर में होते हैं, इसीलिए आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो ये आपको लिखने के लिए भी आना चाहिए हिंदी, तो हाँ ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड फुल वर्ल्ड, हाँ रिस्पेक्टेड फुल वर्ल्ड, लेकिन सिस्टम है
हो के ही यूज नहीं होता है, लेकिन भारत में मैं देखता हूँ ऑनलाइन, देखता हूँ बड़े बड़े लोग से बात करते, लोग हो कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं तुम कैसे हो, एक गलत चीज है हिंदी के लिए। इंग्लिश में क्या बोलते चल हम वो अलग चीज है, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो गलत है। कहाँ से आप हैं, कैसे हैं, ये लिखा जाता है कॉपी में तो उसको पास किया जाता है, और हो लिख दीजिएगा तो फेल हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को सब, हमको क्या करना, आपको गलती करते हैं कोई बात नहीं, हम सुधारते जाएंगे, आप गलती करते जाइए हम सुधारते जाएंगे, लेकिन सिस्टम सुधारते हम लोग, ऐप पर आते हैं तो उनको हम लोग सुधारते रहते हैं। यूट्यूब पर तो उतना टाइम नहीं रहता ना, तो कम आते हैं हम लोग, लेकिन ये रेगुलर रहते हैं क्लास ऐप पर, एडवांस एडुकेशन ऐप पर मेरा डाउनलोड करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, गप हो गया, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, आप बस समझिए कि एक आपको ड्रेस नहीं सिलाते हो, ड्रेस लीजिएगा उससे ज्यादा पैसा लग जाएगा, ड्रेस आप खरीदते होंगे ज्यादा पैसा लग जाएगा, लेकिन हम एक ड्रेस समझिए कम खरीदेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर ऐसा सोच के रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन है और सीट भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है और सीट भी ज्यादा है, इतना सीट नहीं कभी आया था जितना आने वाली है, और एक बार आ जाती तो जानते हो कि भी 20 वर्ष नहीं आएगा। बीओ की वैकेंसी 2001 में पहले आई थी, उसमें भी इंटरव्यू दिया हूँ, 2021 तक बीपीएससी तक चलते रहा, मेरा कोई दिक्कत हुआ। हाँ, इंटर के बाद कितनी तैयारी, इंटर के बाद सरेंडर के बाद नहीं, ये बीएस सेरिकल्चर वाले जो कंप्लीट है उनके लिए, बीएस सेरिकल्चर हो, एमएस सेरिकल्चर हो, पीएचडी हो, उन सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम बीएस सेरिकल्चर होनी चाहिए, तो उनके लिए है। हाँ, अदर स्टेट वाले के लिए भी है, विवेक जी सिंह जी जो बोल रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भर सकते हैं, बस आने वाले आप लोग तैयारी करने रहते हैं, तैयारी करते जाएंगे ऐप पर डाउनलोड करेंगे एडवांस एडुकेयर, सिर्फ आगे पीछे है, आगे पीछे कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, ऐप इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं, डायरेक्ट मेरा है ऐप है, बाकी जिनका भी ये गूगल प्ले स्टोर पर ऐप देखेंगे तो आगे पीछे कुछ लिखा हुआ रहता है, कहीं पर जेपीजी कहीं पर कुछ लिखा हुआ रहता, क्योंकि मेरा पहला ऐप बना था एडवांस एडुकेयर नाम से, रेड और ब्लैक नाम से पट्टी रहेगा, इस तरह आपको रहता बना होगा, इस तरह से आपको रहेगा बना हुआ, इसी में इस तरह का रहेगा, इसी में एडवांस एडुकेयर लिखा हुआ रहेगा पूरा, इसको आप देख लेंगे, तो इसी नाम का सिर्फ एक ही, जब काफी लोग फोन करते सर तो कई खुल रहा, नहीं खुलता, उसमें कुछ ना कुछ स्पेलिंग चेंज रहता है, आगे कुछ ही कुछ लगा रहता है, ये सिंगल है जो मेरे नाम का ऐप है मेरा है, ठीक है। सर बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बताएंगे, हाँ जिनको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है उनकी टाइमिंग अलग, बीसीसी एग्जाम देना होता है बिहार के लिए, इंडिया के लिए सीयूटी देना होता है, तो उसकी भी तैयारी होता है, उसका फरवरी में लॉन्च होगा, बैचो जनवरी में लॉन्च कर रहा हूँ, बीओ एसडीओ बीओ के लिए भी लॉन्च हो रहा है, अभी आप लोग इंटर के जो पढ़ना चाहते हैं वो इंटर के अलग बैच होती है, तो उनकी टाइमिंग अलग होती है, 12 इंटर एग्रीकल्चर 11th का, जिनको 11th का है या 12th का एग्रीकल्चर है, ये दोनों के लिए भी है यहाँ क्लासेस, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन की क्लास चलती है, कुछ यूनिवर्सिटी का चलता है, हाँ सीयूटी का फॉर्म आएगा, हाँ आएगा, देखोगे काफी लोग क्वालिफाई किए, मेरे सीयूटी भी पास किए हैं, और राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय सवर भागलपुर पूसा समस्तीपुर में एडमिशन है, बीसीसी द्वारा सवर भागलपुर में एडमिशन है सब लोग का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता एडमिशन के लिए, जो एडमिशन होकर पास हो चुके उनके लिए फिर वैकेंसी आ गया बीओ के लिए, तो आप लोग बीओ को पढ़े, जिनको जो जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में बीओ बनना है, एसडीओ बनना है, बीएससी का बीपीएससी टीचर का ऑर्गेनाइज होगा, टीचर बनना उनकी भी क्लास है, 11 12 इंटर पढ़ते हुए क्लास है, जिनका एमएससी का टेस्ट होता है एमएससी एग्रीकल्चर का उनका भी क्लास है, पीएचडी का टेस्ट होता है उनकी भी क्लासेज है, और जो किसी प्रकार के एग्रीकल्चर संबंधित एग्जाम में बैंक का देते हैं उनकी संबंधित भी क्लासेज मिलेगी, लेकिन हमारे पास सुविधा क्या है, हम दोनों मीडियम में बात करता हूँ तो दोनों सुविधा आपको मिलेगा, तो दोनों तरह के जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, जो इंग्लिश के हैं उन्हें भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, बता दिए जो बताना था, अब हम लोग आते हैं पढ़ते हैं, पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ये सब गप चलते रहेगा, आप लोग जिनको आना है आते रहेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे फ्री में, और दोस्तों लोग भी बता देंगे, क्योंकि कंपटीशन है तो ऐसा कंपटीशन है कि बताएंगे नहीं, ठीक है। देखिए आगे हम लोग, तो ये प्रश्न आगे, चलिए ये प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो क्लासे चलती रहेगी इसमें, देखिए आप क्लास आपको आगे क्वेश्चन जल्दी बताएंगे, कह रहे हैं यहाँ पर कि सहकारी खेती का विफलता कारण, सहकारी खेती मतलब काउज ऑफ फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, काउज ऑफ फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग में हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं, किसके बारे में बात करा, निक्षरता मतलब आइलिटरेसी, पढ़े हुए नहीं रहते हम लोग, कर दूसरा भूमि से लगाव, मैंने कि अटैचमेंट ऑफ सॉयल होता हम लोग को विथ लैंड, वहां से अटैचमेंट होता, और सहकारी उत्साह का अभाव,
माने हम लोग कोऑपरेटिव करना नहीं चाहते हैं, अभाव होता है इसका, और इनमें से सभी क्या प्रॉब्लम होता है हम लोग कि हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं अपना पा रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं, जिस पर हम लोग नौकरी नहीं मिल पा रहा, क्या गलती करते हैं जो फेल हो जाते हैं, वही चीज पूछ रहा है यहाँ पर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं रोशन जी? सर इंटर के बाद किसकी किसमें नाम लिखवाते हैं? इंटर के बाद आप लोग को टेस्ट देना होता है BCC का या CUT का या इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी सबका देंगे, तो आप लोग को वहां पर ग्रेजुएशन में नाम लिखाता है। हम सिर्फ तैयारी कराते हैं और हम लोग पढ़ाते हैं और आपका एडमिशन जहां हो जाए भारत में वहां चले जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसा सुविधा, ठीक है। बाकी सरकारी खेती की विफलता क्या कारण है देख लेंगे इसमें। हाँ, डी आ गया, सब सब सही। और हम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हो, जैसे आप लोग काफी लड़के का फैमिली का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स के हिसाब से और एडुकेशन के हिसाब से बैक रहता है, तो थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं, तो ही इसमें भी कर है आई लिटरेसी, मैंने क्या है निक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है तो हम नहीं अपना पाते हैं। सकारिता का भाव, भूमि से लगाव ज्यादा होता है तो हम लोग ज्वाइंट नहीं कर पाते, ये सभी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए सहकारी खेती फ्लॉप कर जा रही है, हम लोग को सफल नहीं हो पा रहा, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अरे हम आते हैं हम लोग कर रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं ओलरी कल्चर सब्जी विज्ञान शब्द लिया गया है। ओलरी कल्चर कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है कि लैटिन से लिया गया कि दोनों से लिया गया, कहां से लिया गया जल्दी देख के बताएंगे हम लोग। हाँ, ओलरी कल्चर शब्द कहां से लिया गया? हाँ, प्रदीप निषाद जी 15 के B आ गया, कोई एक लगा रहे हैं तो बी लगा रहे हैं, जल्दी बताएंगे। हाँ, ग्रीक और लैटिन को समझना होगा, ये हमारा लैटिन जो ब्रिटिश का है, ये हमारा ब्रिटिश का है, ये ब्रिटिश का है, ये हमारा यूनान का है ना, ये यूनान का है, यूनान का ग्रीक का मतलब यूनान, यूनान देश का है तो वहां का है कि लैटिन का है, ब्रिटेन का, ब्रिटेन को तो ब्रिटिश बोलेंगे, यूनान को तो ग्रीक बोलेंगे, तो किसका है इसको देख के बताएंगे हम लोग किसका। ये हमारा हो गया लैटिन का है, लैटिन का था, एग्रीकल्चर भी उसी का है और आपका ओल्डी कल्चर उसी का है, हमारे लैटिन का ही, हॉर्टिकल्चर भी लैटिन का ही है, ठीक है, इसलिए हम लोग जानना था सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लासेस चलती रहेगी। कर पश्चिमी देशों में सब्जियों फलों का प्रसंस्करण प्रिजर्वेशन पश्चिमी देश में कितना होता जो करा, वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन इन वेस्टर्न कंट्री में कितना होता है, ये कर है 2-4%, कितना होता है 2-4, 20-35 और 45-50 और 65-90 कितना होता है, देखिए चलिए किन्हीं का फोन आ था काट दिया नहीं, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, जल्दी बताएंगे कि आप इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया में हम लोग का ये इंडिया पर पूछता कि इंडिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन कितना होता है, तो हम लोग आते 2-4% सिर्फ हम लोग कर पा रहे हैं, बाकी दूसरे देश में कर रहा, कौन देश में, वेस्टर्न कंट्री में ये कितना कर पा रहा है जो ऐसा पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग तो 65-90% भी कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन हमारे भारत में सबसे कम हो रहा है 2-4% हम लोग, जैसे आम हो गया उत्पादन तो आम का अचार कुछ बनाते हैं, जैम कितना लोग बनाते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं, नहीं आप सब आम बर्बाद होता है, 5-10 रुपए किलो सब बिक जाता है, अंतिम में सड़ जाता आम, देखते हो अभी मार्केट में पूरा फ्रूट सस्ता हो गया है, नहीं मिसाल तरह 10-15 रुपए किलो मिलता है, हम लोग यहाँ मिलता तो उत्पादन जहाँ होता क्या हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ को प्रिजर्व करना नहीं जानते हैं, प्रिजर्व करना जानते तो सस्ता हम क्या करते, हम लोग प्रिजर्व कर देते, प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिया वाला भी याद रखेंगे जरूरी, विदेश की याद रहे चाहे नहीं याद, ठीक है, वहां जो होता है बहुत लोग करते हैं 65% से ऊपर बहुत देश। चलिए यहां पर कर रहा है सघन बागवानी के प्रकार, सघन बागवानी की इंग्लिश में देखेंगे टाइप ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग को इसको मीडो ऑर्चर्डिंग भी कहते हैं ना, इसको मीडो मीडो ऑर्चर्डिंग, ऑर्चर्डिंग भी कहते हैं इसको, सघन बागवानी को मीडो ऑर्चर्डिंग भी कहते हैं और इनको हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, अंग्रेजी कई तरह से पुकारते हैं, इसमें क्या कर है इसमें से सघन बागवानी प्रकार है, मध्यम सघन बागवानी, अति सघन बागवानी, अनुकूलतम सघन, इनमें से सभी क्या होगा,
मीडियम हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग और ऑप्टिमम हाई डेंसिटी प्लांटिंग और ऑल द ईव कर है, कौन सा होगा इसमें से सभी होगा कि क्या होगा? हाँ आपको आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का सी किस, हाँ चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शगन बागवानी के प्रकार हो गया नहीं, क्या चलेंगे? हाँ प्रभात जी है नहीं, प्रभात जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए आंसर बताएंगे कितना नंबर में है, 17 नंबर का आ गया इनमें से। हाँ डी आ गया अरविंद प्रसाद जी का, बिल्कुल सही, सी नहीं डी, सभी है। सभी तरह का हम लोग बागवानी के प्रकार पढ़ते हैं बुक में कि हाई अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी और मीडियम हाई डेंसिटी, अनुकूलतम से जितना जरूरत है उतना भी लगाएंगे तो अनुकूलतम ऑप्टिमम हुआ, जितना जरूरत हो उतना, उसे ज्यादा तो ज्यादा हो गया, मीडियम तो मीडियम हो गया, सभी प्रकार के हम लोग को पढ़ना था, डी ऑप्शन था, ये बिल्कुल सही जवाब है डी वाले। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, कह रहे सेव के पौधे के लिए सधाई की विधि नहीं है, सेव के पौधे के लिए सधाई मतलब ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करते हम लोग, नॉट द ट्रेनिंग सिस्टम फॉर एप्पल प्लांट, मतलब किसके लिए एक ट्रेनिंग के लिए सधाई का विधि नहीं है, निफिंग विधि कर रहा है, निफिंग विधि, पिरामिड विधि, कॉर्डन विधि, स्पाइनल झाड़ी विधि कर रहा है, कौन सा ट्रेनिंग के सेव के लिए नहीं है, सेव के लिए कौन विधि नहीं है, सेव के लिए कौन विधि नहीं है? तो स्पाइनल विधि देखते करते हूँ, पिरामिड कॉर्डन विधि देखते होंगे, तो हम लोग के लिए सेव की विधि में एक ऑप्शन लगाना है जो निफिंग विधि नहीं है, ये निफिंग विधि नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब था हम लोग के लिए ठीक है। जाते हैं देखिए, पपीता को भर, पपीता को भारत में लाया गया, मतलब पपीता भारत का नहीं था, पपीता को लाया गया है, तो ये कौन लोग लाए थे ये अलग चीज है, और कहां से लाए थे अलग चीज, लेकिन कब लाए थे पूछ रहा है, सभी बता देता हूँ कहां से लाया गया था। चलिए देखें यहाँ पर, पहले हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। कर हाई पपाया पपाया इस ब्रिंग इन इंडिया, मैंने कब लाया गया पपाया को, तो अमेरिका से लाया गया, पुर्तगालियों ने लाया, लेकिन कब लाया ये आपको 16वीं शताब्दी में लाया गया था, 16वीं शताब्दी डायरेक्ट हम उत्तर बता दिए, कितना टाइम दीजिएगा आप लोग। तो ये अमेरिका से लाया गया, पुर्तगालियों ने लाया, 16वीं शताब्दी में लाया, ठीक है इसको पढ़िएगा जरूर, 16वीं शताब्दी याद रखिएगा। वैसे आप लोग कोई भी प्लांट पूछ ले जनरली, अगर नहीं आते तो 16वीं शताब्दी मार दीजिए, सही है, क्यों अधिकतर प्लांट 16वीं शताब्दी में ही आया था, अधिकतर की बात कर रहा हूँ इंडिया में, जो दूसरे देश से आया था वो, हाँ इन इंग्लिश दोनों में था, यह पपाया इन ग्रीन था, ठीक है। लीची, लीची किस में कौन सा वैरायटीज ऑफ लीची, कौन सा वैरायटी लीची का है, शाही, लेट बेदाना और चाइना, इनमें से सभी जल्दी बता रहे हैं कौन सा वैरायटी है लीची की, वैरायटीज कौन सा लीची का, लीची का चलिए देखिए देख लेते हम लोग, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हाँ कौन कौन लगा है, न्यू न्यू बच्चे आ गए हैं, आप लोग ज्वाइन कर गए, न्यू न्यू स्टूडेंट, हाँ ठीक है, कुछ लोग पुराने बच्चे हुए हैं, कुछ न्यू आ गए हैं, तो न्यू जो भी आते रहे सबका स्वागत है चैनल पर, जल्दी जवाब देंगे। किन्हीं का ए आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है, मतलब चलिए ठीक है, बढ़िया समझिए पहले, ये शाही जो है लीची तो पक्का है, तो सभी लोग जानते हैं, ये सभी जानते हैं शाही लीची का है, क्योंकि बिहार का शाही लीची राष्ट्रपति जी को गिफ्ट में प्रत्येक साल जाता है, ठीक है याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है बिहार से लीची कौन सी वैरायटी है जो राष्ट्रपति के सम्मान में जाता है प्रत्येक साल, तो लीची का शाही, और लेट बेदाना भी हम लोग को लीची है, लेट बेदाना लीची है, और चाइना भी लीची है, इसका मतलब सभी लीची है, ये सभी लीची की वैरायटी थी, चाइना लेट बेदाना शाही, उसमें परीक्षा में सबसे ज्यादा शाही आया, लेकिन चारों सही है, ये तीनों हम लोग को लीची का वैरायटी था, इसलिए हम लोग जानना था, ठीक है सही जवाब। और आप लोग को देखे होंगे कि इसमें अगला प्रश्न है, चलिए ये देखिएगा प्रश्न आप लोग को आया था, ये आप लोग को जो लोग स्टूडेंट दिए होंगे बीपीएससी स्टेट का एग्जाम दिए होंगे कितना देने वाला था, ये प्रश्न आया था देखे होंगे, आमला का बोटनिकल नेम पूछा गया था, फिर भी यहाँ पर हम दे दिया, आमला का बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम ऑफ आमला, कौन सा बोटनिकल नेम है आमला का, देखिए अम्बलिका ऑफिसिनेरिस फ्रेगेरिया अनानासा जिजिफस मॉरिसियाना और कोकस म्यूसिफेरा, देख लेंगे
इसका क्या नाम है जल्दी बताएंगे। हाँ समझ में आया आप लोग को, जल्दी बताएंगे। हाँ गौतम जी का आ गया, प्रदीप जी का आ गया, शिवान जी सबका एक आ गया, अरविंद जी का भी एक आ गया। देखते हैं और सब क्या है। एक तो बिल्कुल सही था ही, ये तो पक्का सही था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोकस से उसी फेरा, ये कोकोनट का है, इसका कोकोनट का, ये कोकोनट मतलब नारियल का, नारियल, ये नारियल का था, ये भी हम लोग जानना है नारियल का था। ये जिजिफस मॉरुटियाना ये हमारा बेर का है, बेर, बेर जानते हो ना, बेर, बेर का है, बेर का है। और फ्रेगरिया अनानासा किसका, फ्रेगरिया अनानासा अनानास का नहीं, ये फ्रेगरिया है आपको अस्ट्राबेरी, अस्ट्राबेरी का है, अस्ट्राबेरी का ये आदर्श, ये अस्ट्राबेरी कहां गया यहाँ पर, अस्ट्राबेरी का ये, अस्ट्राबेरी का, अस्ट्राबेरी का ये भी आप लोग जानना होगा, ठीक है। हाँ जी आगे क्या है बताने कृपा करेंगे, क्या है रामेश यादव जी, हाँ सी आगे क्या है बताने कृपा किया जाए। सी का हो गया, ए बी सी हो गया, क्या चीज की बात पूछ रहे हैं रामेश यादव जी, क्या पूछ रहे हैं जल्दी बढ़िया से लिखिएगा, बता देंगे। लेट बेदाना अनार का है ना, हाँ लीची भी है बेदाना, लेट बेदाना कहाँ गया, हाँ अनार का भी है बेदाना, उसका भी बेदाना है, लीची एक ही नाम का, अलग अलग कई प्लांट में नाम है, एक ही नाम का वैरायटी अलग अलग प्लांट में होते हैं, कई प्लांट में नाम ओवरलैप कर जाएगा आपको, ठीक है, इसीलिए हम लोग को जानना है, ओवरलैप करता है, आता है वैरायटी के नाम में, ठीक है, कई जगह नाम मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ गया हल्दी, हल्दी के प्रभेद देख लेंगे हम, हल्दी का प्रभेद देख लेंगे, हल्दी का प्रभेद, हल्दी का प्रभेद, वैरायटीज, वैरायटीज ऑफ टर्मेरिक, राजेंद्र सोनिया लिखा हुआ यहाँ पर, और सुगुना, और एनडीआर ठहरा दिया हुआ, और ऑल ऑफ दीज दिया हुआ, क्या लगाए हम लोग, हल्दी का वैरायटीज, हल्दी का कौन सा वैरायटी है। हाँ आ गया बाबुल कुमार जी, हाँ क्या लिख दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेंगे, करा राजेंद्र सोनिया तो है ही, सभी लोग जानते हैं, और एनडीआर 18 भी है, और सुगना भी है, सभी ऑल है, ये हल्दी का ऑल था, हल्दी का ऑल, ऑल जान गए हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑल जान गए तो। चलिए बोटनिकल नेम, धनिया का बोटनिकल नेम बात कर रहे हैं, धनिया का बोटनिकल नेम क्या है देख लेंगे यहाँ पर, बोटनिकल नेम ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सटाइवम, फेनिकम बेल्गियर, और नाइजेला सटाइवा, और टैक्सिका आर्मी कौन है जल्दी बताएंगे। ये धनिया का अगर अंग्रेजी आप जानते हो तो निकाल लेंगे, देखिए कोरिएंडर मतलब धनिया, कोरिएंडर मतलब धनिया, तो धनिया का इंग्लिश है कोरिएंडर, देखिए आप पढ़ लेंगे कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिया का तोड़ी का सीड तो दो सटा हुआ रहता है, एक बीज में उसको एक फल में तोड़ देंगे तो दो बन जाता है, और दो प्लांट अलग अलग हो जाते हैं, ये कोरिएंडर सटाइवम हो गया, ठीक है, ये आपको फेनुगरगम उसका सोप का, और ये नाइजेला सटाइवा ये मंगरेला का है, नाइजेला सटाइवा मंगरेला का है, ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, सही जवाब था ये। चलिए आते हैं आते हैं, करा है डहेलिया के, किसका डहेलिया, डहेलिया के सफेद किस्म है, वर्ल्ड न्यूज माइक्रो फ्रंट रो और मेजर, देखें यहाँ पर वैरायटीज डहेलिया मेजर ग्रेन, जल्दी बताएंगे किसका कौन है। करा डहेलिया के सफेद किस्म, डहेलिया रेड कलर का भी होता है, बैंगनी रंग का भी होता है, व्हाइट रंग का भी होता है, उसका फ्लावर डहेलिया का फ्लावर व्हाइट रंग का होता है, सफेद किस्म व्हाइट, व्हाइट वैरायटीज करा डहेलिया ऑफ डहेलिया का कौन सा वैरायटी है भाई, वर्ल्ड न्यूज, कौन न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, ऐसा आप लोग जान गए थे, वर्ल्ड न्यूज था ये डहेलिया का था, समझ में आया आप लोगों को, कुछ समझ में आया तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे मतलब कि शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ में आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए लगातार, तो अभी थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको देखना है, और इस ऐप के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं हम लोग।
तो जानकारी लीजिएगा, देखिएगा तो एक सेकेंड, आपको टाइम लगे ज्यादा नहीं लगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, कम निकाल रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ क्लास को, थोड़ा सा देखिएगा क्लास, देखिएगा थोड़ा सा, एक क्लास देता हूँ, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडवांस एडुकेयर को और करें अपने बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर एंड बीसीईसीई का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। देख रहे हैं, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडवांस एडुकेयर को और करें अपने बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर एंड बीसीईसीई का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। चलिए आप लोग तो देख लिए कौन लोग थे, तो सभी लोग पहचान गए होंगे। और ये एडवांस एडुकेयर थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड होने जा रहा है, तो इस ब्रांड के साथ आगे हैं सौरभ गांगुली जी। इस ऐप को देख ही रहे थे आप लोग, बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार राज्य में जो क्रांति लाने जा रहा हूँ हम, काफ़ी देखे थे यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं थे बिहार राज्य में, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे डिग्री सब तो ले आते हैं लेकिन सही जगह पर पहुँच ही नहीं पाते। उन सही जगह पर पहुँचाने के लिए हम आपके हेल्प करने के लिए आ गए हैं, बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक पास किए, एग्रीकल्चर कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, सब कुछ सुविधा है। बीएससी कहाँ से करें, बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें, एमएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें, पीएचडी कैसे करें, और फिर अगर कोई कर लिए हैं तो जॉब कैसे लगेगा, जॉब कहाँ करें, कौन फार्म की तैयारी करें, कहाँ मटेरियल मिलेगा, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर और आज जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है उसमें हम देखा हूँ टेक्नोलॉजी में कहाँ अंतर हुआ। हमारे समय मोटा मोटा बुक्स मिलते थे पढ़ने के लिए हमें, और आप लोग के समय में देखता हूँ नोट्स मिलता है पतला पतला पीडीएफ, जो परीक्षा में आगा उतना ही पढ़ते थे और आपको डिग्री मिल गया, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो पूरा इंडिया का साथ कंपटीशन होता और मिस कर जाते हैं। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था, हर विषय की कई राइटर का बुक चलते थे। और ये हम देखा हूँ काफी स्टूडेंट से बात करते हैं, फोन आता था पूछते हैं, वो हम लोग पूछते हैं सर कौन किताब पढ़ें, हम ये बीएससी एग्रीकल्चर किताब होगा आपके पास, एमएससी एग्रीकल्चर किताब होगा पास, तो कहते हैं किताब कहाँ कर देते सर, स्कूल में नोट्स मिलता था, कॉलेज में और पीडीएफ मिलता था, नेट से निकाल कर पढ़ते थे। हम कहें सर पैसा बचाते थे, तो किताब मिलती है, किताब लेकर रखा करें, किताब से दोस्ती करेंगे तो काफी सपोर्ट मिलेगा। हम अभी जितना बीएससी एग्रीकल्चर में जो भी करके हम आए थे, अभी तक किताब मेरे पास पूरा एक रूम पड़ा हुआ है, और उसी सब मैटर निकालता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। अगर हम भी नहीं पढ़े होते तो आपको भी नहीं पढ़ा पाते। तो आप लोग पहला काम है कि आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में हैं, किताब को खरीदिए और पढ़िए, जिनका भी हो किताब, जो भी राइटर हो उनके पास अवेलेबल है जो, बाकी तो हम जो देंगे जो ऐप पर आएंगे, जो बता रहे हैं सौरभ गांगुली सर जी, जो ऐप पर आना है एडवांस एडुकेयर ऐप पर, उसमें काफ़ी कोर्सेज है, काफ़ी बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी नोट्स मिलते हैं, और पढ़ाई तो मिलेगा ही, सब कुछ मेन है सुधा पढ़ाना। पढ़ाने मतलब कैसा नहीं पढ़ाना, कि सिर्फ नॉलेज, नॉलेज ऐसा कि माइंड में चले जाए और निकले नहीं। पढ़ा तो आप कहीं सकते, नेट खोजिएगा पढ़ लीजिएगा, मोबाइल में डाले कि ना, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उसको माइंड में देने की कोशिश करते कि माइंड में चला जाए और परीक्षा दिन निकल जाए, परीक्षा दिन निकले, अब बीच में नहीं निकले, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं तो परीक्षा में निकले चाहे मत, पहले निकल जाता है माइंड से, ये हम लोग को दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर, हमको दे दीजिए वो, सब लोग को मिलता है, जो पढ़ते हैं सब लोग को मिल रहा है, आपको भी मिलता है, आपको मिला होगा, पढ़े होंगे तो नहीं पढ़ाएंगे तो मिलेगा, तो नोट्स मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन पढ़ाई सूटेबल पढ़ाई मिलती। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का हर का, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर हो, बी एस सी एग्रीकल्चर हो, एम एस सी एग्रीकल्चर हो, पी एच डी एग्रीकल्चर हो, उसके बाद भी नौकरी एग्रीकल्चर का हो या किसी भी सेक्टर का, ठीक है, हम आपके साथ विदा लेते हैं, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। जिनको बी यू आना है, बी यू पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, बी यू के बारे में भी तो जो आपको जो भी थोड़ा बताता हूँ आपको, बी यू अभी आ गया है, दिख नहीं रहा होगा आपको, लाल भाइट करता है, देख लेंगे आपको बीओ एग्रीकल्चर आ गया आपके, बीओ एग्रीकल्चर आ गया आपके पास, ठीक है, तुरंत तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करिए ऐप को, जो ऐप बोले ऐप है आपका ऐप एडवांस से वो डाउनलोड करें, जिनको जो प्रॉब्लम होगा तुरंत मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा किसी प्रकार का प्रॉब्लम है संपर्क, मैं नालंदा से मनोरंजन सर हूं,
और आप लोग सपोर्ट के लिए, नालंदा जानते हो बिहार राज्य का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पूरा भारत का नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसी शहर से हैं, तो आप लोग को आइडिया लग गया हो कि हम किस शहर से हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप विदाई लेते हैं और आप एडवांस ऑर्डर कर जाइए, तुरंत लॉन्च करिए, डाउनलोड करिए, बहुत फ्री है डाउनलोड, पैसा नहीं लगता। उसमें अपना कोर्स देखिए कि आपको स्टोर में जाएंगे डाउनलोड करने, गूगल प्ले स्टोर जाइए डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने बाद ओपन करेंगे तो उसमें स्टोर नीचे का मोबाइल नीचे स्टोर लिखा हुआ, स्टोर में जाएंगे कई तरह के बैच मिलेंगे, आपको क्या जरूरत है उसको देखेंगे, उसमें दो वीडियो फ्री भी है वो भी देख सकते हैं उसमें, और बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा तो फोन नंबर है, फोन नंबर रात में लगा दीजिए 9 बजे से। अब बीओ मैं जो ला रहा हूँ शाम को 7 से 8 PM, 7 से 8 PM में बीओ का बैच आएगा, 7-8 PM में है बैच, बैचिंग टाइम है, वहाँ पर टाइम है ना। फी बताई थी बहुत नॉर्मल फी है, उसको जाके ऑप पर देखिए, 1 महीना में 100 रुपया बस, ज़्यादा नहीं, 1 माह 100 ज़्यादा नहीं है। हाँ, कहाँ जाना है, एडवांस गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, एडवांस एडुकेयर को डाउनलोड करेंगे ऐप को, इस ऐप पर जाना है, ठीक है, एडवांस एडुकेयर ऐप पर जाना है, और ऐप पर जाएंगे तो बताए थे को बता रहे हैं सर जी, देखिए इस ऐप पर जाएंगे उसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने बाद स्टोर मोबाइल के नीचे में लिखा हुआ स्टोर, स्टोर पर टच करिएगा, सभी क्लास खुल जाएंगे, कौन सा क्लास आपको जरूरत है, क्या पढ़ना है, और जैसी कोई दिक्कत हुआ प्रॉब्लम, ये नंबर आपके पास है, फोन लगा देंगे, डायरेक्ट आपको सुविधा मिल जाएगी, इस नंबर से बात हो जाता है। कभी अगर कन्फर्म बात करना चाहें संडे को, कन्फर्म ज़्यादा बात तो रात के 9 PM के बाद आप हम फोन कर सकते हैं, कन्फर्म फोन कवर रिसीव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा बताता हूँ, क्वालिफिकेशन पूछते हैं तो MS सीरीकल्चर कम से कम तो रहेगा ही, MED भी हैं, PGDHR भी हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, 20 साल नौकरी कर चुके हैं, नौकरी खत्म हो गया, 20 साल कर चुके छोड़ चुके, तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा, ठीक है। जिनको आना है पूरा एजुकेशन देंगे आप लोग को, हम PhD नहीं है कि आपको डॉक्टर बताएंगे, सिर्फ मनोरंजन सर, ठीक है, नालंदा से एडवांस एडुकेयर, और आपको को बिहार के लिए, बिहार की जॉब के लिए क्रांति लाने जा रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, सबके लिए, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके करता हूँ हम आपको भी। हाँ, गुड नाइट सबके लिए।